गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। वैसे आज बज गए हैं सुबह के 11:15। यस, और मैं आ गई हूँ टेरेस पे। वैसे आज अकेली हूँ ना, तो काम में भी थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन नीचे का सब कुछ काम कंप्लीट हो गया, इधर भी सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक ही काम बाकी है, वो है कपड़े सुखाना। लेकिन कपड़े है ना, मशीन में अभी ड्राई हो रहे हैं, इसलिए मैं अभी उसकी वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम कपड़े सुखा देंगे, उसके बाद सुबह का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये टेरेस धोना बाकी है, लेकिन वो है ना दोपहर के बाद करेंगे, क्योंकि अभी ये कपड़े सुखाने के बाद है ना, अभी दोपहर की रसोई भी बनानी है। 10 मिनट आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर से दोपहर की रसोई स्टार्ट करनी है। तो देख लीजिए, मशीन में कपड़े ड्राई हो रहे हैं। इधर ये कुंडे जो पड़े हैं सही से रखने हैं। अभी इधर जो लाइन की है ना, उसमें से है ना रिपेयरिंग करना है, क्योंकि जो लास्ट में थे ना वो हमारी रिंगणी बहन थी ना, उसको अभी निकाल दिया है पूरी तरह से। वैसे धूप भी बहुत है, देख लीजिए। इधर इसमें से है ना बैंगन पूरा निकाल दिया है। अभी ये थोड़े से वो है पत्ते बत्ते इसमें, लेकिन अभी क्या करना है, अभी है ना ये सबको हटा के इधर थोड़ा बड़े बड़े वाले जो कुंडे आते हैं ना वो लाने हैं, और उसमें है ना वो डालना है छाणियों खातर आता है ना वो, तो वो है ना गौशाला में से लाना है। उसके बाद नए कुंडे करके सब माटी है ना चेंज करनी है, क्योंकि माटी है ना अब वेस्ट हो गई है, इसमें है ना कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है पेड़ का, इसलिए है ना सब कुछ इसमें से चेंज करना है। देख लीजिए, इधर भी दो कुंडे खाली पड़े हुए है, उधर रिंगणी भी खाली पड़ी हुई है, तो अभी है ना उसमें से चेंज करके अभी दूसरा कुछ और लगाएंगे पेड़ पौधे, लेकिन ये अभी निकाल देना है यहाँ से। और इधर ये हमारे जनाब देखो बहुत काम में बिजी है, सुबह का खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ है आज, बहुत काम है आपको? वेकेशन गया ना, हाँ, इसलिए सारा लोड आ गया अभी काम का। यस, वेकेशन पूरा हो गया है, और वैसे भाई भी गाँव चले गए है, तो देखिए उसका भी पीसी चालू है, उसमें भी काम चल रहा है और इसमें भी काम चल रहा है। तो दोपहर को खाओगे या आपकी रसोई नहीं बनाओ? खाना तो पड़ेगा ना। आपने सुबह तो नहीं खाया, कि बोल रहे थे ना बहुत लोड है मुझे नहीं खाना है, तो अब दोपहर को खाओगे? सुबह का तो चल जाता है, वो शेक पीते है ना, हाँ तो चल जाता है, बट अभी तो खाना पड़ेगा ना। खाना पड़ेगा, क्या खाना है आज बता दो, जो भी बनाओ खा लेंगे। तो गाइस, कपड़े ड्राई हो जाए ना, तब तक हम है ना दोपहर का मेन्यू फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि आज घर पे हम तीन लोग ही है ना, तो मैं यार पप्पा जी को तो नहीं पूछ सकती हूँ क्या खाना है। हस्बैंड जी को पूछा तो उसने तो बोल दिया कि जो कुछ भी बनाओ चलेगा, लेकिन हमारी तो हर रोज की प्रॉब्लम है यार क्या बनाए। पहले तो सब लोग वही बोलते है कि जो कुछ भी बनाओ खा लेंगे, लेकिन बनने के बाद है ना ऐसा बोलते है ये क्यों बना यार मुझे नहीं पसंद है, दूसरा बोलता है इसके सिवा वो कुछ बनाना चाहिए था ना, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अब तो बोल दिया है कि कुछ भी बनाओ, तो मैं मेरे हिसाब से बना लेती हूँ। वैसे तीन जने हैं तो सब कुछ तो नहीं बनाएंगे, सब्जी रोटी बनाएंगे या फिर और कुछ बना लेंगे, देखते हैं अभी फ्रिज में से हमको क्या मिलता है वो। तो जी गाइस, बज गए हैं 4:45। देख लीजिए घड़ी में, दीव भाई थोड़ी देर पहले ट्यूशन चला गया है, और पप्पा जी की चाय भाई वो सब भी कंप्लीट हो गया है। वैसे चाय तो कब की कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद जो भी घर में काम था वो सब कुछ कंप्लीट मैंने कर दिया है। कपड़े पपड़े घड़ी कर लिए है, और पूरा घर एकदम कम्प्लीट कर दिया है। और ये देख ले, आज है ना मैंने मूंग वो भी और ये देखिए आज है ना मैंने मूंग भिगोए हुए थे 5 बजे खाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो भिगोए हुए कठोर में से हम लोगों को प्रोटीन और फाइबर मिलता है। तो अभी मैंने वो गर्म पानी में थोड़ी देर उबालने के लिए रखा है, वैसे पूरी तरह से नहीं पकाने हैं, इसलिए मैंने कुकर में नहीं डाले हैं। गर्म पानी में थोड़ी देर हम लोग वो गैस पर रखेंगे, उसके बाद है ना हम वो उसका थोड़ा सा तेल डाल के उसका तड़का लगाएंगे, और थोड़ा थोड़ा 2 से 3 चमची मेवे और संजू खाने वाले हैं, और उसके बाद अब शाम का भोजन जो भी होगा वो देखा जाएगा, और वो हर रोज की तरह हमारी सीरियल चल रही है। यस, तो चलिए वो मूंग वो अभी पक रहे हैं, थोड़े से उसका तड़का लगा देते हैं। तो जी गाइस, बज गए हैं 6:30, देख रहे होंगे आप घड़ी में, और संजो अभी भी ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आज शाम को हम दोनों को जाना है एक मीटिंग में।
इसलिए पापा और दीव दोनों का खाना मैंने बना लिया है, शाम का खाना। और अभी हम दोनों थोड़ी देर में जा रहे हैं मीटिंग में, तो रसोई पूरी बन चुकी है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। वो तो देख लीजिए, इसमें पप्पा जी के लिए भिंडी की सब्जी बनाई हुई है। वैसे पप्पा जी को यह सब्जी बहुत पसंद है, भिंडी में थोड़ा सा दही डाली हुई सब्जी। और इसमें रोटी बनाई है और दीव जी के लिए पराठा बनाया है। और ये हरी मिर्च भी रखी है, क्योंकि हमारे घर में है ना सबको तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद है। अभी हम दोनों है ना थोड़ी देर में निकलेंगे, और दूध और छाछ जो भी चाहिए होगा वो पापा जी फ्रिज में से ले लेंगे। और इतना सब कुछ रेडी करके इधर रख दिया है, अभी वो बर्तन निकले हैं वो मैं साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। वैसे सुबह से है ना मैं लगभग 10 मिनट जैसा फ्री हुई हूँ, बस बाकी पूरा दिन काम चला है आज। धीमे धीमे काम करते हैं ना तो थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा घर है ना चकचकाट रहना चाहिए। बस थोड़ी से भी गंदगी हो ना तो मुझे है ना पसंद ही नहीं है, इसलिए घर पूरा एकदम वो साफ है। अभी मैं थोड़ी देर में अभी फ्री हो जाऊंगी, बाद में रात तक अभी कोई काम नहीं है। तो जी गाइस, बज गए हैं 11। तो हम लोग वैसे कब से घर पे आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर से घर पे नहीं थे ना, तो पापा जी ने वो सब कुछ खाया था, दीव जी ने खाया था, वो सब कुछ ऐसे वो बर्तन बर्तन कम्प्लीट किए, वो सब कुछ घर थोड़ा साफ किया, तो बस उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और मैंने दूध भी पी लिया। तो बस अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मेरी मम्मी का हम एक आज भजन सुन लेंगे, क्योंकि आज है ना घर पे कोई था नहीं, तो यार क्या करूं मैं, किससे बात करूं। तो मेरी मम्मी की भी मुझे बहुत याद आ गई थी, तो उसका आज हम एक भजन सुन लेंगे। तो बस वैसे भजन बहुत मस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी कमेंट कर देना कि कैसा भजन है वो। गर्भ मा गुण गोविंद।
तो चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर से। आओ जो, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, गुड नाइट।